गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द वायर शोन इन द फिगर बिटवीन द टू पुलीज इज 1.5 मीटर। यानी कि इतना जो वायर है ना, जो दोनों के बीच में, उसकी लेंथ 1.5 मीटर है और उसका मास कितना है? 12 ग्राम। यानी कि इतने वायर का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम। ओके, आगे फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विथ विच द वायर वाइब्रेट्स इन टू लूप्स लीविंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर बिटवीन द पुलीज एट रेस्ट। तो बोला है कि जब ये वाइब्रेट करेगा, स्टैंडिंग वेव बनाएगा, तो दो लूप में बनाए, यानी कि ऐसा कुछ वेव बनेगा, और ये वाला जो मिडिल पॉइंट है ना, वो रेस्ट पे रहेगा। यानी कि एक नोड बनेगा बीच में, और यहाँ पर एक नोड और यहाँ पर एक नोड। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि ये वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाला केस है ना। दूसरा ये कि ये दो लूप बन रहे हैं, मतलब कौन सा केस हुआ? सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, अब फिक्स्ड एंड बोथ वाले फिक्स्ड, दोनों एंड जब फिक्स होता है उस केस में, सेकेंड फ्रीक्वेंसी का, सेकेंड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ सेकेंड हार्मोनिक। क्या होता है फॉर्मूला? एन वी बाय 12। ठीक है, इसमें एन की जगह क्या आ जाएगा? टू, तो 2 × V/12। अभी पूछा क्या है अपने को? यही निकालना है, सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 2 और 2 तो गायब हो गया, क्या बचा? V/L। L तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 1.5 मीटर है ना। अब ये जो V है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? V कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू √T/μ। टी होता है टेंशन और म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी। अब टेंशन तो भाई देखो, दोनों साइड 9 9 kg के मास लटक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम पूरा रेस्ट पे रहेगा और इस पूरी रस्सी पे टेंशन होगा 90 न्यूटन, है ना। और इतना अगर नहीं समझ में आता तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लोगों को अच्छे से आता है, तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि टेंशन जो है वो 90 न्यूटन है। तो यहाँ पर आ गया 90/μ। म्यू क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि मास बाय लेंथ। अब मास कितना दिया हुआ है अपने को? 12 ग्राम। तो 12 × 10⁻³ kg हो गया, डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर। तो ये डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर है, तो क्या बन जाएगा? ऊपर चले जाएगा और ये बन जाएगा 1.5। ठीक है ना, म्यू क्या होता है? मास बाई लेंथ, तो लेंथ ऊपर चले जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब यार ये इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सीधा रख रहा हूँ, है ना। वी की वैल्यू आ गई 92 × 1.5 / 12 × 10⁻³, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है और डिवाइडेड बाय एल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/L, जो कि 1.5 मीटर है। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 70.71 हर्ट्स। ठीक है, और ये 70.71 हर्ट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? अप्रॉक्सीमेटली 70 हर्ट्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ख़त्म, है ना। थैंक यू।